हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अलकेश सर, आराध्य क्लासेस सिटीएम। आज हम स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश मीडियम का चैप्टर 15 का पार्ट 7 पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए आप ध्यान से। देर आर 30 गर्ल्स एंड 10 बॉयज इन वन क्लास। ओके, सो नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास 30 एंड नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, मतलब कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना, 30 और 10 40 40। ठीक है, चलिए अब पढ़िए। इन अ क्लास वन ऑफ द स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम टू बी अ मॉनिटर। मुझे क्लास में से जो 40 बच्चे हैं ना, इनमें से किसी एक को मॉनिटर बनाना है। ठीक है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है, दिया हुआ है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट गर्ल इज सिलेक्टेड और बॉय इज सिलेक्टेड। तो ठीक है, हम देख लेते हैं। पहला इवेंट ले रहा हूं, पहला इवेंट और नाम दे देता हूं ए। मान लो कि मैं इतने सारे 40 बच्चे हैं, उसमें से गर्ल सिलेक्ट हो एज मॉनिटर, तो हम बोल सकते हैं सर देयर आर 30 गर्ल्स इन अ क्लासरूम। तो मैक्सिमम में मैक्सिमम कितनी गर्ल्स बन सकती है मॉनिटर, 30। कितने में से, 40 में से। ओके, सो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट ए इज इक्वल्स टू 30। सो फाइनली प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज, फॉर्मूला आप रखेंगे यहां पे, फॉर्मूले में क्या आएगा, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल इवेंट और ऊपर आएगा नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट, कितना 30 और टोटल कितना 40। चलो भाई 3/4, ज्यादा आंसर लिखना हो तो 0.75 आप लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, दूसरा इवेंट कौन सा बन रहा है हमारा, इवेंट बी, अ सिलेक्टेड बॉय, सिलेक्ट किया हुआ लड़का हो मॉनिटर के लिए। ठीक है, सिलेक्शन में लड़का हो, भाई मैं बोल सकता हूं देयर आर, देख सकते हैं आप यहां पे 10 बॉयज इन क्लासरूम। सो इसके लिए भी आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट बी इज इक्वल्स टू 10, और फिर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकते हैं। देखिए आपको सिंपल याद रखना है, सिंपल, टोटल कितने स्टूडेंट्स थे सर, 40, उसमें से लड़का पसंद हो बॉय पसंद हो, टोटल बॉयज कितने हैं 10। चलो भैया 1/4 दैट मींस 2.25, समझ रहे हो आप, टोटल 40 स्टूडेंट्स थे, उसमें से बॉय सिलेक्ट हो मतलब ऊपर 10। पहली वाली इवेंट में आपने देखा टोटल 40 स्टूडेंट्स है, उसमें से गर्ल सिलेक्ट हो मतलब 30। आप देख सकते हैं मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग में लेमन के फ्लेवर का कैंडी रखा हुआ है खाली, दूसरा कोई फ्लेवर नहीं है। चलो, अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। सर एक लोचा हो गया, लेमन के फ्लेवर का कैंडी है लेकिन कितना है वो नहीं पता है, देना चाहिए ना टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट के लिए, लेकिन दिया नहीं है। सो मैं बोल देता हूं सपोज नंबर ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज इज इक्वल्स टू एन, एन अंदर एन कैंडी पड़ी हुई है, मुझे नहीं पता है कितनी पड़ी है। ठीक है, चलो, सो
नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल इवेंट इज इक्वल टू एन। ठीक, अब क्या करती है मालिनी, टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू इट। मालिनी अंदर देखती नहीं, ऐसे हाथ डाल के कैंडी निकाल रही है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि जो उसने कैंडी निकाली है वो ऑरेंज फ्लेवर का कैंडी हो। चला जाए इवेंट पे, तू इवेंट ए, क्या बोला उसने, ऑरेंज फ्लेवर का कैंडी हो, ऑरेंज फ्लेवर का कैंडी हो। तो देख लीजिए सर, देयर आर, ओ आप यहां पे बोल रहे हो कि बैग में खाली लेमन के फ्लेवर का कैंडी है और ऑरेंज के फ्लेवर का कैंडी सिलेक्ट हो। नहीं 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 सर, दिस इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है, अंदर एक भी ऑरेंज फ्लेवर का कैंडी नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, देयर आर नो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। वी कैन राइट ऑल्सो दिस इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, और हम जानते हैं शॉर्ट में लिखना हो तो इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होता है, जीरो। ठीक है ना, लेकिन ऐसे यहां पे ऐसे लिखेंगे मार्क्स लेने हो तो, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द गिवन इवेंट इज इक्वल्स टू जीरो। अंदर कैंडी है नहीं ऑरेंज का, ठीक है, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी, जीरो बाय एन, टोटल एन कैंडीज है, उसमें ऑरेंज वाली एक भी नहीं है, जीरो है, तो जीरो। ठीक है, इवेंट बी, चलिए भैया इवेंट बी दिया है, लेमन फ्लेवर का कैंडी हो, चलिए आ जाइए, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। ठीक है, अब लोचा हो गया सर, लेमन फ्लेवर का कैंडी हो, कितनी कैंडी है लेमन फ्लेवर की, एन कैंडी है सर। तो शॉर्ट में अपना ट्रिक है, मैंने बहुत सारे आगे वीडियोस में लिखा है, शॉर्ट में क्या करेंगे, देख भाई टोटल एन कैंडी में से लेमन वाली एन है, प्रोबेबिलिटी वन आ गया। अब लिख उसको, देयर आर एन लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। ठीक है, सो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट कितना, एन, ये लिख लेना आप। ठीक है, चलिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फॉर्मूला लिखिए, या तो एम बाय एन लिख लीजिए, चलिए इसमें कंफ्यूजन होगा, ठीक है फॉर्मूला लिखिए, टोटल एन कैंडीज थी उसमें से एन सिलेक्ट हो रही है वन। ठीक है, चलिए, देयर आर फाइव मेल एंड एट फीमेल फिश इन अ बिग टैंक इन अ शॉप। ओके दोस्तों, कितना लिखूं, हाँ जी, नंबर ऑफ मेल फिश इज इक्वल्स टू फाइव, फीमेल फिश इज इक्वल्स टू एट। वीडियो को आप पोज करके अपने आप ट्राई कर सकते हैं, पहले अपने आप ट्राई कीजिए, ठीक है, पोज कीजिए वीडियो को, चलिए देखते हैं क्या होता है। तो टोटल नंबर ऑफ फिश कितना हुआ अंदर, 13। चलिए तो क्या होगा, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल इवेंट, सर 13 फिश है, जो सिलेक्ट करना हो 13 ही सिलेक्ट कर सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, चलिए इवेंट ले लेते हैं, नाम दे देते हैं भाई, फिश को शॉपकीपर बाहर निकाल रहा है एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज मेल फिश। ओ सर, मेल फिश हो, सुन लो ना, ये रे ना, देर आर फाइव मेल फिश इन द टैंक। चल पहले अपना शॉर्ट, शॉर्ट में कैसे करेंगे, टोटल 13 और 5 मेल है, बस ये तेरा आंसर आ गया। चल ठीक है, नहीं एग्जाम मार्क्स लेने के लिए लिखना पड़ेगा तेरे को,
तो लिखना है ऐसे, देर आर फाइव मेल फिश इन टैंक. सो हम लिखते हैं ना, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट कितना, फाइव. सो फाइनली प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे फॉर्मूला, ऊपर पांच नीचे तेरह. ठीक है, चल डन. थैंक यू स्टूडेंट्स. आज हम देखेंगे 10th इंग्लिश मीडियम चैप्टर 15 पार्ट 8. एक्स्ट्रा सम है, टेक्स्ट बुक में नहीं है, एक्स्ट्रा सम है, हम देख लेते हैं. डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड रेसिडेंस ऑफ स्टूडेंट्स 40 स्टूडेंट्स, देर आर 40 स्टूडेंट्स. 40 स्टूडेंट है जिनके घर के और स्कूल के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, आप देख लीजिए. 0 से 5 किलोमीटर के बीच के डिस्टेंस में 5 स्टूडेंट रहते हैं, और आगे 5 से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में दूसरे 11 स्टूडेंट्स रहते हैं. ऐसे ही 10 से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस में दूसरे 11 स्टूडेंट्स, ऐसे ही 15 और 20 किलोमीटर डिस्टेंस के बीच में 9, so on. ठीक है, चलिए ठीक है. तो पहले मैं लिखूंगा, हाँ इतने हम पहले पढ़ेंगे लिखेंगे. तेरा नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल्स टू 40, टोटल 40 स्टूडेंट है, जो करना है उनमें से ही करना है. ठीक है, चला जा. सो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल इवेंट, कुछ भी सिलेक्शन करना है, ये करना है, वो करना है, सब 40 स्टूडेंट्स में से होगा. ठीक है, चला जाए. अब पढ़ते हैं. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, जो भी स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स का प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि जो जिनका डिस्टेंस मोर देन 20 किलोमीटर, जो 20 किलोमीटर से ज्यादा के डिस्टेंस पे रहते हो. चलिए पहला इवेंट पकड़ते हैं, इवेंट ए, मोर देन 20 किलोमीटर डिस्टेंस. ठीक है, ओके. चल भाई तू पहले देख, ये रहा 20, यहां पे फिनिश्ड हो रहा है. 20 से ज्यादा कितने स्टूडेंट्स हैं, एक एक और दो, कितने हुए टोटल, 4 स्टूडेंट्स. ठीक है, तो देख पहले शॉर्ट में तेरे को फिनिश करना हो तो शॉर्ट की है अपने पास, क्या शॉर्ट की है बोल. तो टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 20 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस पे कितने रहते हैं, 4. ये आ गया तेरा प्रोबेबिलिटी. ठीक है, तो चल मैं लिखता हूं, देयर आर 1+1+2, ये देख पाए आप, 20, मोर देन 20, ये सब 4 स्टूडेंट, दे आर मोर देन 20 किलोमीटर डिस्टेंस. ठीक है, सो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट कितना, 4. प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला लिखिएगा, 4/40, 1/10.1. ठीक है, चलिए इवेंट बी की ओर बढ़ते हैं हम. इवेंट बी की ओर बढ़ते हैं. इवेंट बी क्या है, 15 किलोमीटर और लेस देन 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर हो और लेस देन 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर और लेस देन 15 किलोमीटर. चला जा भाई यहां पे देख ले, 15 किलोमीटर, ये रहा 15, यहां पे पूरा हो रहा है, और लेस देन 15 किलोमीटर, मतलब 15 किलोमीटर वाला भी और लेस देन सारे. तो चल कितना, 5, 11 और 11, 27 हो रहा है टोल, है ना. चल लिख शॉर्ट में क्या लिखेगा, चल फटाफट बोल दे, टोटल 40 में से कितने हैं, 27, तेरा आंसर है ना. चल लिख, ठीक है यार, देयर आर, लिखो ऐसे 5+11+11, 27 स्टूडेंट्स, 8, 50 किलोमीटर और लेस देन 15 किलोमीटर. सो बस ये लिखो यार सब अपने आप, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट्स 27, फिर इवेंट बी का प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला लिखो आप, 27/40 लिखो
और फिर इसको भी पॉइंट में आंसर लाना है, ठीक है? चलिए इवेंट सी, आ जाए भाई इवेंट सी पे। बिटवीन 10 किलोमीटर टू 15 किलोमीटर, भाई कोई बच्चे ऐसे हो जो 10 टू 15 किलोमीटर के बीच में रहते हो, स्कूल से उनका डिस्टेंस इतना हो, ऐसा मतलब ऐसा है। तो देख तो जरा बॉक्स में 10 से 15 के बीच में कितने रहते हैं। सर ये रहा 10 से 15 का बॉक्स, कितने स्टूडेंट्स रह रहे हैं? 11। सो डायरेक्ट आंसर क्या लिखेगा? 11/14। इतना शॉर्ट में आंसर है, लेकिन लिखना नहीं है। चल क्या लिखूं मैं, चल फटाफट बोल दे। देर आर 11 स्टूडेंट बिटवीन 10 किलोमीटर टू 15 किलोमीटर। चल भाई नंबर ऑफ आउटकम लिख लेना, मैं डायरेक्ट इवेंट लिख रहा हूं, फॉर्मूला लिख लेना, और 11 स्टूडेंट्स अपॉन 14। दोस्तों इवेंट डी, इवेंट डी 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर के बीच में हो, है ना? बिटवीन 10 टू 20 किलोमीटर, चला जाए इधर 10 से 20 किलोमीटर के बीच में हो, ये रहा 10 और ये रहा 20, ये पूरा, तो कितने हो गए स्टूडेंट्स? 11 एंड 9, कितने हो गए? 20। ठीक है, हो पाएगा अपने आप देख लेना, ठीक है? थैंक यू। चैप्टर 15 का पार्ट 9 है, उससे पहले 1 से 8 पार्ट आपको देखने ही पड़ेंगे, तो ज्यादा आइडिया आएगा पार्ट 9 के बारे में, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। अ पिकी बॉक्स और पिकी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन। 50 पैसे के अंदर कितने कॉइन्स हैं? 100। बस ये लिखते जाओ कभी। नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स इज इक्वल्स टू 100। फिर पढ़ा के तू 51 रुपीज कॉइन, 1 रुपए के कितने कॉइन है? 50। लिख चल। नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स इज इक्वल्स टू 50। ऐसे पढ़। 22 रुपीज कॉइन, 2 रुपीज के कितने कॉइन्स हैं? 20। ऐसे ही 20 हो गया। 10 5 रुपी कॉइन्स, नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, सो टोटल कितने कॉइन्स है पिगी बैंक में? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स देख कैलकुलेट कर ले, 180 आ गया। ठीक है, तो मतलब कि अंदर से मुझे कुछ भी करना है, पिगी बैंक में से सिक्का निकालना है, कॉइन कुछ भी करना है, मैक्सिमम कितनी बार कर सकूंगा मैं? 180 बार सर। सो नंबर ऑफ टोटल ट्रायल और टोटल पॉसिबल ट्रायल और इवेंट इज इक्वल्स टू 180। चला जा, अब पढ़ शांति से। ये देखिए यहां पे, वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन। जब मैं उस पिगी बैंक को उल्टा करता हूं ऐसे ऐसे, उसमें से कॉइन धबाक बाहर निकला, वो कॉइन कौन सा होगा? तो उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि वो कॉइन 50 पैसे का कॉइन हो। बोलो भैया, चलो पहली इवेंट ले लेता हूं मैं, आ जाइए इधर। इवेंट ए, कॉइन विल बी 50 पैसा कॉइन। देख शॉर्ट वाली अपनी मेथड। हाँ चला जाए, पहला टोटल कितने कॉइन है? 180, तो नीचे लिखा 180, और 50 पैसे के कितने कॉइन गिर सकते हैं अंदर से? 100, तो ऊपर लिखा 100, जो आंसर आए वो। बोल डन है कि नहीं है? ठीक है, हम इसको लिखेंगे ऐसे मार्क्स लेने के लिए। देयर आर 100 50 पैसा कॉइन्स इन पिगी बैंक, सो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू दी इवेंट्स कितना? 100। चलिए भैया
सो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, फॉर्मूला लिखना है आपको, आगे बहुत फॉर्मूले के बारे में डिस्कशन हुआ है। नीचे टोटल कितने कॉइन्स है अंदर, 180, और 50 पैसे के कितने कॉइन है, 100, तो गया 5/9 पॉइंट में जो आंसर आए वो। ठीक है, चला जा भैया इवेंट बी। विल नॉट अ 50 रुपीज कॉइन, मतलब कि 5 रुपी का कॉइन नहीं होना चाहिए, 5 रुपी का नहीं होना चाहिए, मतलब कि चला जा इवेंट दूसरा देख तू, 5 रुपीज का कॉइन नहीं होना चाहिए, मतलब ये कॉइन नहीं होने चाहिए, मैं इसको दबा देता हूं, चल मतलब कि वो जो गिरने वाला है कॉइन 5 रुपीज का नहीं होना चाहिए, मतलब कि सर वो 50 पैसे का हो सकता है, वो 1 रुपीज का कॉइन हो सकता है, वो 2 रुपीज का भी कॉइन हो सकता है। ठीक है, चला जा। विल नॉट अ 5 रुपी कॉइन, चलिए तो देयर विल बी, विल नॉट अ 5 रुपीज कॉइन means it is 50 paisa coin, it may be 50 paisa coin, it may be 1 rupee coin or it is, directly likhiye, or it is 2 rupee coin, 5 rupee ka coin nahi hona chahiye, matlab ki 50 paise ka hona chahiye, 1 rupees ka hona chahiye aur 2 rupees ka hona chahiye, aur wo kitne hain, means 100, 50 and 20, देखो भैया 100 हो गए 50 पैसे के, 1 रुपीस के 50, 2 रुपीस के 20, इतने कॉइन्स हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कि 170 कॉइन्स आ गया, तो चलिए डायरेक्टली आप लिखना आपके हिसाब से, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट्स 170, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फॉर्मूला लिखिए, टोटल 180, 170 ऊपर, चलो भैया जो आंसर आए वो पॉइंट में लिख देना। ठीक है, डन, चलिए थैंक यू। थोड़ा सीरियस पार्ट है, देख लीजिए, है ना, आपका नंबर्स का नॉलेज कंप्लीट हो जाएगा। अ बॉक्स कंटेन्स 90 डेज विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90, भाई एक बॉक्स में चिट्ठियां डाली हुई है, समझना, डिस छोड़, एक डिस पे लिखा हुआ 1 अंदर डाल दिया, 2 अंदर डाल दिया, 3 अंदर डाल दिया, ऐसे 1 से 90 नंबर की हुई डिस्क अंदर बॉक्स में डाली हुई है। चला जा, मतलब कि मैं कुछ भी अंदर करूं 90 होने वाले हैं टोटल सर। हाँ, तो चल टोटल नंबर ऑफ डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90 is equals to 90, done है, चलो ठीक है, अब पढ़ते हैं। उस डिस्क में से मुझे रैंडमली एक कोई डिस्क निकालना है बॉक्स में से, ठीक है, चलिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि वो डिस्क 2 digit नंबर का हो, उस डिस्क पे नंबर कौन सा हो, 2 digit हो, 90 है, 1 2 3 4 से लेके 90 तक है, उसमें से कौन सा नंबर होना चाहिए, 2 digit का नंबर। चलिए भैया इवेंट, अच्छा इवेंट ही लिखने से पहले आप जानते हो बहुत अच्छी तरह से, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट इज इक्वल्स टू 90। चलिए आ जाइए इवेंट ए, 2 digit नंबर हो, कैमरामैन जरा 2 digit नंबर बताइए, 1 से 90 नंबर लिखा हुआ है, दिख रहा है सबको, 2 digit का नंबर हो, मतलब भैया ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, हाँ सर यहां तक कि ये नंबर नहीं होने चाहिए, 10 से चलेगा सब, है ना, मतलब टोटल 90 में से ये 9 मैंने कम कर दिए, 90 में से मैंने 9 कम कर दिए कि नहीं कर दिए, तो कितना बचा टोटल, हा 81, 2 digit के कितने नंबर होंगे अंदर, 81, चला जाइए। So there are 81 days of 2 digit number among
गिवन फ्रॉम 1 to 9 विच आर 10 से स्टार्ट होगा 11, 12 डैश 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 कितने तक 90 तक। सो ये सब आप लिखो हो यार, अपने आप से होशियार बनो। तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू द इवेंट्स 81। सो फाइनली प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए फॉर्मूला टोटल 90 में से 81 है। बोल भैया 2/10 मतलब 0.2। चल ठीक है, चला जाए इवेंट बी पे। परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जिसमें निकालो अंदर से, उसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। इवेंट बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, चला जाए कैमरामैन इधर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने हैं देख लो, मतलब जो किसी का स्क्वायर हो। ओके सर ये रहा 1, 1 का स्क्वायर है, 4, 4 2 का स्क्वायर है, ये 9, 3 का स्क्वायर है, 16, 4 का, 25, 5 का, ये 6 का, ये 7 का, ये 8 का, ये 9 का, बोलो डन है। तो कितने अंदर नंबर्स मिल रहे हैं मुझे जो परफेक्ट स्क्वायर हो, 1, 4, 9, 1, 4, 9 16, 25, done, 36, 49, 64 and 81 गिन ले कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 देर आर टोटल 9 नंबर्स। चला जा देर आर 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर, आइए लिखना अमोंग 1 to 90 विच आर 1, ये नहीं लिखो तो भी चलेगा, हाँ टेंशन नहीं, 25, 36, 49, 64, 81 डन है। चलो भैया नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट कितना 9। चलो भैया प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला 9/90, टोटल 90 में से 9 सिलेक्ट होने वाले हैं, 1/10, 0.1 बोलिए डन 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 डन। चलिए ठीक है इवेंट सी देख ले भैया, चलो कैमरा में इधर लाइए इवेंट सी को। अ नंबर डिविजिबल बाय 5, नंबर 5 से डिविजिबल होना चाहिए ठीक है। तो देख डिविजिबल बाय 5, कभी कभी ऐसा देते हैं डिविजिबल की जगह पे डिविजिबल मल्टीप्लाई ऑफ 5, मल्टीप्लाई ऑफ 5 तो भी चलेगा, बात सेम है। अब देख तेरे को मैं स्कीम बता दूं, इसमें 5 से डिविजिबल हो या 5 का मल्टीप्लिकेशन हो, मतलब वो 5 के टेबल में आना चाहिए। अब ये तो 1 से 90 नंबर दिया है तुझे, तो आराम से तू बोल रहा है हाँ है ना सर 5, 10, 15, 20, 25, 30 लाइक दिस 90 तक तू आ जाएगा। लेकिन 1 से 700 नंबर दिए हो तो क्या देखने जाएगा 5, 10, 15, 20, 25, 30 कितना टाइम लगेगा एग्जाम में, और टाइम बहुत बिगड़ता है। तो देख तेरे को शॉर्ट की बताता हूं मैं सिस्टम है। देख भैया टोटल कितने 90 हैं, उसमें से किससे डिविजिबल बोला है 5 से ना, तो डिवाइड बाय 5 कर दे, 5 1 5, 5 8 40 बस तेरा आंसर आ गया। 18 नंबर्स ऐसे हैं जो 5 से डिविजिबल हो गए, जा देख ले तो गिन ले घर पे बैठ के 5, 10, 15, 20 ऐसे करता जा 90 तक, 18 नंबर्स आएंगे, कितने हैं 18। चला जा तो तेरा काम कितना इजी हो गया, देख नंबर ऑफ आउटकम्स है ना फेवरेबल टू द इवेंट्स कितना 18। कैसे हुआ वो मैं बॉक्स में लिख देता हूं शॉर्ट में, जितने भी नंबर्स हो 90/5 ठीक है। चला बस, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, ऊपर 18 नीचे 19 ठीक है, 2/10.2 ठीक है देख लेना ठीक है ठीक है। एक मिनट इधर आइए, इधर थोड़ा ये कैलकुलेशन में गलती हो गया देख लीजिएगा ठीक है।
9.9 ठीक है सॉरी। चलो अब मैं इवेंट डी ले रहा हूं, खतरनाक इवेंट है, देखना है। अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 3 और 7 सॉरी नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 3 और 7 देख मैं शॉर्ट की बोल रहा हूं तुझे, देख ले वो सब जाने दे, तू शॉर्ट में आ जाएगा। नंबर जो 3 से भी डिविजिबल हो और 7 से भी हो, ठीक है। अभी बात बोला था मैंने टोटल 90 है, 3 से डिविजिबल हो गया आंसर तेरा 30 और दूसरा कौन है 7 से, तो देख 90/7 7 1 7 दो बचा 20 हुआ, 7 2 40 ठीक है बस हो गया काम। हाँ जो बचा है रिमेनिंग लेफ्ट वो सब जाने दे, कितना आया तेरा आंसर 12, तो ये तेरा आंसर आ गया 30 और 12 कितना हुआ 42 ठीक है। तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट्स 42, सो फाइनली इवेंट क्या हो गया 42/90 जो आंसर आता है वो लिख दे ठीक है। चलिए उसी हिसाब से अब आपको आगे मैं नहीं समझाऊंगा। प्राइम नंबर आप जानते हो बच्चे नहीं हो, थ्री डिजिट नंबर सर एक भी 3 डिजिट नंबर नहीं है अंदर, एक भी 3 डिजिट नंबर नहीं है, इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। इवन हो आधे इवन होंगे, ऑड हो आधे ऑड होंगे ठीक है। अ नंबर मोर देन 28, 28 से आगे कौन, 29 से चालू करना तू, 90 तक जाना, गिन लेना कितने हो रहे हैं ठीक है। चलो थैंक यू, उसका पार्ट 11 पढ़ेंगे, पार्ट 11 एक्चुअली में पार्ट 10 के ऊपर ही बेसिस है मतलब, है ना, तो पार्ट 10 ध्यान से देखना तो आपको 11 आराम से आ जाएगा। चलिए 11 में थोड़ा घुमा फिरा के पूछा है, एक्स्ट्रा सम है ये, शांति से समझ के करिएगा। चलिए आइए, कार्ड्स मार्क्ड विद द नंबर्स 12 to 18 है ना, नंबर लिख दिए चिट्ठियों पे मैंने, आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में डाल दिया 12 नंबर लिख के 12 13 14 ऐसे करके 80 तक लिख के डाल दिया अंदर ठीक है। चलिए आप एक बार बताओ तो कैमरामैन बच्चों को, ऐसा पूरा सीन है 12 13 14 15 16 ऐसा मतलब इस तरह का सीन है। अब मुझे खाली एक बात बताओ तो टोटल अंदर कितने नंबर्स होंगे, टोटल चिट्ठियां अंदर कितनी पड़ी होगी सर, टोटल 80 टोटल 80 है क्या, अरे नहीं आगे 1 से 11 नहीं है, 1 to 11 नहीं है, तो टोटल 80 में से आगे वाली 11 तो है नहीं, तो टोटल कितनी हुई 69 वेरी नाइस चल भैया ठीक है ओके। अरे तो देयर आर टोटल 69 कार्ड्स मार्क्ड विथ नंबर्स 12 13 to 80 ठीक है। सो द नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल ट्रायल और इवेंट कितना 69। चलो भैया आ जा, थोड़ा स्पीड में जाएंगे, पार्ट 10 हो चुका है इसका ठीक है। सो हाँ इट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज डिविजिबल बाय 5। भैया जो नंबर है नंबर इज डिविजिबल बाय 5, फिर 5 डिविजिबल बाय 5 मतलब कि 5 के टेबल में आए ठीक है। चलो उतर आ जाओ, देखिए भैया ये 15 है, 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 कितने हो गए, चल के लिए बड़ा 7 47 40 हो गए टोटल, हो गए कि नहीं, तो बस आ गया ऊपर 40 ऊपर 14 और नीचे 69 तेरा आंसर है। लेकिन देख शॉर्ट की समझाता हूं, मैंने लास्ट टाइम समझाया था टोटल 80 है
और किससे डिविजिबल, 5 से, तो आना कितना चाहिए आंसर 16, 16 आंसर आना चाहिए। लेकिन तू देख एक गलती कर रहा है, यहां 12 से स्टार्ट हुआ है, मतलब 1 टू 11 नहीं है, मतलब कौन मिस हो गया जो पाई के टेबल में आ रहा है, 5 एंड 10। तो देखो टोटल 16 होने थे, उसमें से 2 नहीं है, तो आंसर तेरा कितना आया 14, है कि नहीं, और इस हिसाब से भी तू देख सकता है। चला जा, सो ऐसे लिखे, लिखने के लिए देखिए ऐसा लिखेंगे, अमाउंट 12, 13 to 18, अमाउंट 12, 13, 14, 18, देयर आर 14 नंबर डिविजिबल बाय 5, सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू द इवेंट्स मींस 14, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कितना लिख लेना फॉर्मूला, 69 और ऊपर 14, जो आंसर है वो पॉइंट में लिख देना। समझ में आ रहा है पक्का? चला जा भाई इवेंट बी, बहुत अब सही में इवेंट आएगी बी, सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर इज 5। भाई जो अभी दूसरा इवेंट क्या है, सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर इज 5, एक बार बता दो तुम बच्चों को, डिविजिबल बाय 5 हो गया, सम ऑफ द डिजिट ऑफ नंबर इज 5, जो इस पे नंबर है 12 से लेके 80 तक, वो नंबर के जो डिजिट है उनका सम कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो जरा देखिए, तो 1 + 2 = 3 होता है, 3 + 1 = 4 होता है, हाँ ये रहा ना सर, 1 हो गया, 1 + 4 = 5 हुआ, दोनों डिजिट का सम। फिर ऐसा मुझे यहां पे ही दिख रहा है, देखिए 2 and 3 = 5 हो गया, और दिख रहा है मुझे 32 = 5 हो गया, ये दिख रहा है 41, मतलब 4 and 1 = 5 हो गया, 5 + 0 = 5 हो गया, बाकी सब का सम 5 नहीं है, तो देखिए तो 1, 2, 3, 4, 5। सो आपको लिखना है अमाउंट 12 to 80, है ना, देर आर कितने 5, यस 5 नंबर विच आर दी डिजिट ऑफ देयर नंबर इज, सम ऑफ द डिजिट ऑफ नंबर इज 5। तो चलिए भैया, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू द इवेंट्स 5, सो पी ऑफ बी 69 और ये 5 जो आंसर है वो, ठीक है, थोड़ा होशियार बनिए। सी इवेंट अब आपको एक बार देख लीजिएगा, सी इवेंट में मैं करवा नहीं रहा हूं, आप इस हिसाब से सॉल्व करें, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द डिजिट ऑफ नंबर इज 0, भाई डिजिट का मल्टीप्लीकेशन 0 होना चाहिए, तो नजर मार ले, 2 into 0 = 0, 3 into 0 = 0, ये लाइन पूरा है कि नहीं, चल तेरे हिसाब से तू कर लेना, फिर देख परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, वो भी पार्ट 10 में डिसाइड हमने बात हो चुकी है, इवन हो, नंबर ऑड हो, नंबर प्राइम नंबर हो, ठीक है ना, सब बातें हो चुकी है, ठीक है, अपने आप से देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बोलिएगा, ठीक है, चलिए थैंक यू।